Assalamualaikum, dear Pagyarizan students. I am your chemistry tutor Rashid Ali. जी बेटे, हम chapter number 4, ninth chemistry discuss कर रहे हैं और chapter का name तो आपको already पता ही है, structure of molecules. तो बेटे, आज का topic जो lecture number 9 है, इसका topic है hydrogen bonding. जी, hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. कौन से मॉलिक्यूल्स? जो परमानेंटली पोलर होते हैं. आ जाइए, थोड़ा सा इसका प्रॉपर बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक डिस्कस कर लेते हैं. आप सीख लेंगे इंशाल्लाह कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, किसको कहते हैं और कहाँ पर पाई जाती है. जी बेटे, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो आप जब भी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें मेन चीज़ आपने जो याद रखनी है वो मैंने कलर कर दी है. मेन वर्ड्स इसके बहुत याद करने की ज़रूरत है. पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और दूसरे का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज अदर एटम जो होगा वो बॉन्ड बनाएंगे, जिसको नाम दिया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आप यहाँ पे और क्लियरली समझ लीजिए, एक मॉलिक्यूल है वाटर. आप देखते हैं जी बेटा, गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और ऑक्सीजन की 3.4 है. मच डिफरेंस, 1.2 का डिफरेंस आ जाता है. तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये कम. जो आपको पता है कि एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो ये वाला बॉन्ड है, ये असल में इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है. इस पेयर को अपनी तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ चला गया, तो इस पर हल्का सा चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, जिसको पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा. हम इस बॉन्ड को यहाँ पे स्मॉल लाइन से ही शो करते हैं, जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं. अगर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड भी है, पार्शियल पॉजिटिव एंड भी है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी वाटर का सेम ही होगा, तो उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. तो बेटा यहाँ पर गौर करिएगा, आपकी डेफिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या. एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है. दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम को जब अट्रैक्ट करता है, तो जो अट्रैक्शन की फोर्स इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ देती है, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप गौर कीजिए, इस मॉलिक्यूल जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली एक मॉलिक्यूल का और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम दूसरे मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो डॉट्स के साथ फोर्स शो की गई है, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कहेंगे. तो आप यहाँ पर इस फोर्स और इस फोर्स दोनों को आप क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब गौर कीजिए, हाइड्रोजन ऑफ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको एक स्पेशल बात बताता चलूँ कि ये क्या है और कैसे बनती है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. कहाँ पे मौजूद होती है? प्रेजेंट इन परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स. ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स परमानेंटली डेवलप रहते हैं, मेंटेन रहते हैं. कुछ होते हैं पोल्स बनते हैं, यानी ये वह पार्शियल चार्जेस आते हैं लेकिन टेम्परेरी होते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे पाई जाएगी, कहाँ पे बनती है? ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनती है. बात याद रखिएगा बेटा, बहुत पॉइंट की बात है कि ये कहाँ बननी है,
परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, कंडीशंस देख लेते हैं कि ये अगर बननी है हाइड्रोजन का दूसरे कौन से एटम्स के साथ बॉन्ड बनेगा, यानी कौन से मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स होंगे तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे फेवरेबल जो एलिमेंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। थोड़ी सी बात बताता चलूँ ये क्यों और कैसे होता है, उसकी यहाँ पे बैकग्राउंड रीज़न देख लीजिए। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन की जो फोर्स है बॉन्डिंग है ये उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आएगी दैट हैव हाइड्रोजन एटम, जिनमें एक हाइड्रोजन एटम होगा बॉन्डेड टू स्मॉल, छोटा सा हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एटम विद लॉन पेयर्स, और उस पर लॉन पेयर्स भी हों इलेक्ट्रॉन्स के, जिनमें आपको सबसे फेवरेबल एलिमेंट्स मिलते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। जी अगर आप यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो तो ये अमोनिया NH3, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना चाहिए था, ऑक्सीजन, जी ऑक्सीजन के साथ आप H2O, आम अल्कोहल्स वगैरह। इसी तरह आप फ्लोरीन के साथ HF ये डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंड्स में आप देखें अगर दो HF मॉलिक्यूल्स होंगे तो F की 4.0 और इसकी 2.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, एक और HF होगा पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, ये दोनों को अट्रैक्ट, दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। पार्शल पॉजिटिव ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद पार्शल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम वाटर में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होगा। अमोनिया में हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिवली चार्ज होगा और नाइट्रोजन पार्शल नेगेटिवली, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया को जब इस तरह अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। फ्लोरीन वगैरह ये अब होगा कैसे, अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर, जी अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ये हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, एटम क्रिएट पोलर चार्जेस, क्या बना देते हैं ये पोलर चार्जेस बनाना शुरू कर देंगे, किस पे, ऑन द मॉलिक्यूल। जब पोलर चार्जेस बन जाएंगे तो अब ऑपोजिटली चार्ज एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स आएगी, जो अट्रैक्शन की फोर्स अब दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगी, इसका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स भी होंगे, कुछ असरात भी होंगे, आपको पता है कोई भी चीज़ हो उसका कोई ना कोई असर, कोई इफ़ेक्ट होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इफ़ेक्ट है। गौर से सुनिए कौन सा इफ़ेक्ट है, अगर हम देखें कंपाउंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारे कंपाउंड्स में जिनमें पाई जाती है आप देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, जिनमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, जिनमें वीक होगी उनमें प्रॉपर्टीज़ और होंगी, दैट मीन्स इट हैज़ ग्रेटर इफेक्ट। देखिए इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर पहला इफेक्ट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से है, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं मेनली बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे ये असर अंदाज होती है, हाउ इट अफेक्ट्स बॉइलिंग पॉइंट, चलिए देखिए बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर में देखी जाए तो स्ट्रॉन्गर है, अल्कोहल में वीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आएगी। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा 100 होगा और अल्कोहल का लो होगा 78 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज of molecules. For example, water molecules have stronger hydrogen bonding than alcohol. This causes higher boiling point. Boiling point higher होगा, ज़्यादा होगा किसका? Water
जिसकी वैल्यू आपको बताई गई है, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये MCQs है, बोर्ड में अक्सर आया रहता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 और अल्कोहल का 78 है। आप देख रहे हैं 100 और 78 में डिफरेंस आ गया, हालांकि दोनों मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में वीक है और वाटर में स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा उनमें जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जी अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी पे भी इनका इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेंसिटी पे भी इफेक्ट करती है। आप एक मॉलिक्यूल को जानते हैं H2O, ये नेचर में वाहिद मॉलिक्यूल है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की शक्ल में, हवा में मौजूद है, और लिक्विड फॉर्म में हम जो पानी पीते हैं, और सॉलिड फॉर्म में आइस यानी आइस कैप्स, आप बर्फ़पोश चोटियाँ, बर्फानी तोदे वगैरह देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, जब डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है तो यहाँ पे हम दो स्टेट्स में डेंसिटी का डिफरेंस देखते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। यहाँ पे देखिए लेसर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर, आइस की डेंसिटी कम पानी से, वजह देखिए फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर, पानी के ऊपर जो आइस तैर रही है क्यों है, इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चल रहा हूँ, चूँकि बोर्ड में आपका सिलेबस ज़्यादा मैटर करता है, अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा हूँ। द डेंसिटी ऑफ आइस एट, याद रखिएगा ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए आती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइस की जो डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ये लेस है, किससे, लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही थोड़ी ज़्यादा है, जो कि 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप देख रहे हैं आइस की 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि थोड़ी है, किससे, 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड वाटर से। होता क्या है, इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, रैंडमली मतलब गैर बेतरतीब अंदाज से ये मूव करते रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब पानी जम जाता है, याद रखिएगा मेन वर्ड्स को मैंने कलर कर दिया है, द वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज इन ऑर्डर्ड फॉर्म, जब पानी जमेगा, फ्रीज हो जाएगा, बर्फ़ की शक्ल में जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड फॉर्म में एक तरतीब वाली शक्ल में चले जाएंगे, दैट गिव ओपन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से खुली साख्त बन जाती है। खुली साख्त मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फासले पे चले गए और वहीं पे रुक गए हैं, जम गए हैं। दिस प्रोसेस एक्सपैंड्स मॉलिक्यूल, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला बड़ा है, मॉलिक्यूल्स फैले हैं, ज़्यादा जगह गिरेंगे, दैट रिजल्ट्स इन आइस, जिसकी वजह से आइस जो होगी लेस डेंस बन जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, लिक्विड वाटर के मुकाबले में इसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। मैं थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू कर दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, थोड़ा सा फिर बता दूं। यहाँ पे आइएगा, जब एक मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है पूरा, इसका पार्शल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है इसका पार्शल नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये टाइप बॉन्डिंग की जो है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस हाइड्रोजन की निस्बत से इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रख दिया जाता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कहाँ पे है, बहुत ज़रूरी है, आप फिर से रिकॉल कर देता हूँ, याद रखिएगा कि उस मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स में बनेगी जिनमें हाइड्रोजन एटम हो और वो इस तरह के बॉन्ड के साथ, इस तरह के एटम के साथ बॉन्ड बना रहा हो, उस तरह के एटम्स के साथ मिलाओ जो स्मॉल भी हों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हों और उनके पास लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों, ताकि उनकी अट्रैक्शन की पावर जो है दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा हो जाए।
उनमें जो सबसे फेवरेबल हैं वो नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, फ्लोरीन एटम है। सबसे फेवरेबल ये एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, अनइक्वल अट्रैक्शन होती है शेयर्ड पेयर की हाइड्रोजन और इन एटम्स के दरमियान में। क्यों होती है? चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन नहीं कर पाता, उसकी अट्रैक्शन कम होती है, और नतीजा ये निकलता है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा और पार्शल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिवली चार्ज। इसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। टॉपिक को मैंने एक सीक्वेंस के साथ एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से सीक्वेंस में मैंने एक्सप्लेन किया है आप इसी तरह से सीक्वेंस में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर आया रहता है ये क्लियर हो जाएगा। 5 मार्क्स का आता है 5 ही मिलेंगे इंशाल्लाह, 4 मार्क्स का आता है तो 4 ही मिलेंगे। और इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है जी एग्जामिनेशन में, हाइड्रोजन की बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल दे देनी है, आपका ये शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर ये कि इन अगर हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है व्हाई अल्कोहल हैज़ लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर ऑल्दू बोथ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है, और व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट बेटा ये शॉर्ट, ये ऑलमोस्ट हर साल आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये आप क्लियर कर लीजिएगा। लास्ट पैराग्राफ द फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब वाटर लिक्विड होता है तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज मूव कर रहे होते हैं, फ्रीज होने के बाद फिक्स पोजीशंस पे फासले पे चले जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है और आइस फ्लोट करना शुरू कर देती है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।